बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? आइए आज हम कक्षा छठवीं का संस्कृत विषय का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गाओ विश्वस्य मातरः। बच्चों, हमारे घर में कई पालतू पशु होते हैं और उन पालतू पशुओं में गाय एक पालतू पशु है और बहुउपयोगी है। बहुउपयोगी का अर्थ होता है बच्चों बहुत काम में आने वाली। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब आपको हम चित्र भी दिखाएंगे ताकि आप समझते भी जाएंगे और हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, गौ न केवल भारतस्य अपितु विश्वस्य माता अस्ति। गाय गौ न केवल हमारे भारत की अपितु विश्व की माता है। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है बच्चों। यह हमारा संस्कृत पाठ का पाठ दो का पहला वाक्य था। आप भी यदि पुस्तक खोलोगे, मिलाते जाओगे, आपको भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी बड़ा ही अच्छा लगेगा। अब चलिए बच्चों हम अगला वाक्य पढ़ते हैं। सर्वेषु पशुषु गौ एका अहिंसका बुद्धिमती स्नेहकारिणी परिवारिका पशु अस्ति। आप देखिए सभी पशुओं में गाय एक अहिंसक पशु है। अहिंसक का अर्थ होता है बच्चों कि वह किसी को मारती नहीं है, सहजता से किसी को मारती नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई गाय मारे, लेकिन अहिंसिका होती है वो, है ना। और बुद्धिमती होती है, बुद्धिमान होती है, माने वह कहाँ जाना है, कब चरने जाना है और कब लौट के आना है, ये सब जानती है वह। स्नेहकारिणी अर्थात प्यार करने वाली, प्रेम करने वाली पारिवारिका पशु अस्ति, माने हमारे परिवार में रहने योग्य पशु है। माता इव सा अस्माकं जीवनं रक्षितुं समर्था अस्ति। माता के समान वह हमारे जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। यथा माता दुखं सोढ्वा अपि पुत्रं रक्षति। जैसे माता दुख को सहकर भी अपने पुत्र की रक्षा करती है, लालयति लालन करती है, पालयति पालन करती है, च च माने और। जैसे माता दुख को सहकर अपने पुत्र की रक्षा करती है, लालन और पालन करती है, वैसे ही गौः सस्यानि भूषां भुक्त्वा शीतातपं वर्षाम च, वैसे ही गाय भी घास भूसा खाकर, भुक्तवा अर्थात खाकर, शीतातपम मतलब ठंडी और गर्मी और बरसात को सह करके हमें दूध प्रदान करती है। तथैव गौ सस्यानि भूषाम भुक्तवा शीतातपम वर्षाम च सोढ्वा अस्मभ्यं दुग्धं ददाति। गौ घास भूसा खाकर ठंडी गर्मी और बरसात को सहकर हमें दूध प्रदान करती है। तस्याः दुग्धं सर्वेषां पशूनां दुग्धात् श्रेष्ठतरं सुपाच्यं स्फूर्तिदायकं मेधावर्धकं च भवति। गाय का दूध, उसका दूध सभी पशुओं से प्राप्त दूध से श्रेष्ठतर होता है, बढ़कर होता है, सुपाच्यम पचने योग्य होता है, स्फूर्तिदायकम ताकत देने वाला होता है, फूर्ति देने वाला होता है, मेधावर्धकम मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अब दुग्धात् परिवर्तितम दधि तक्रम घृतम, दूध को हम परिवर्तित करके, बदल करके,
क्या बना सकते हैं बच्चों? आगे देखें, दही बना सकते हैं। और उस दही को बिलोने से हमें मट्ठा प्राप्त होता है, तक्रम मतलब मट्ठा। और बिलोने के बाद जो मिलता है वह होता है घी, और उसके लिए शब्द है संस्कृत में घृतम। तो हमें दुग्ध को परिवर्तित कर दिया, हमने बदल दिया, तो बन गया हमारा दही, मट्ठा, घी। यह सब क्या चीज के लिए उपयोगी है आगे देखते हैं। स्वास्थ्य विशिष्टम लाभप्रदम भवति, यह सब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दूध भी लाभदायक है, और उसको परिवर्तित करने के बाद में जो बनता है दही, मट्ठा, घी, वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तक्रेण घृतेन च प्राण रक्षका अनेका औषधयः निर्मिता भवन्ति। अब आपको ये भी मालूम होगा, बड़ा सुन के अच्छा लगेगा, कि मही और घी से भी कई प्राण रक्षक औषधियाँ बनाई जाती है। औषधियाँ मतलब होता है बच्चों दवाइयाँ बनाई जाती है। गौमूत्रम नेत्रयोः अपूर्वा औषधि, अनेकासु औषधिषु अपि प्रयुक्तम भवति। गोमूत्र से नेत्रों के लिए, नेत्रों मतलब आँखों के लिए अपूर्व औषधि बनाई जाती है। ऐसी औषधि जो कि बहुत फायदेमंद होती है, लाभदायक होती है। अनेकासु औषधिषु अपि प्रयुक्तम भवति, और यह कई दवाइयों में, औषधियों में उपयोग होता है, इसका उपयोग किया जाता है। गोमयेन वयम स्वगृहान पवित्री कुर्मः। गोमयेन का अर्थ, गोमय का अर्थ होता है गोबर, गाय का गोबर। गोबर से हम अपने घर को पवित्र करते हैं। कैसे पवित्र करते हैं बच्चों? लीप करके, है ना, साफ सफाई करते हैं ना। गांव में ज्यादा इसका उपयोग होता है कि हम गोबर से लीपते हैं, सामने में गोबर मिला करके, पानी मिला के इसको छिड़कते हैं, है ना, तो ऐसा उपयोग करते हैं हम। अब आगे देखिए, गोमयस्य स्पर्शेन अनेकान मानसिक रक्तचाप संबंधी रोगान शमयति। गोबर के स्पर्श से ही अनेक मानसिक रोगों का शमन होता है, और रक्तचाप संबंधी रोग भी को भी कम किया जा सकता है। कम से कम रोग को कम तो किया जा सकता है। कौन कौन सी बीमारी बच्चों? मानसिक बीमारियां और रक्तचाप संबंधी बीमारियां, जिसको कि अंग्रेजी में ना ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, वो उनको भी कम किया जा सकता है गोबर के स्पर्श से। जैसे हम कि गोबर को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, छूना वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए कितना उपयोग है इसका। अब हम आगे चले बच्चों। अनेन सिद्धयति यत् गौः अनेकेन प्रकारेण अस्माकं मातृवत् रक्षां करोति। इससे सिद्ध होता है बच्चों कि गौ हमारी अनेक प्रकार से माँ के समान रक्षा करती हैं। गोवत्साः अस्माकं कृषि प्रधाने देशे कृषिकानां अपूर्व सहायका सन्ति। गोवत्साः, गाय के बछड़े, गाय से जो मिलते हैं बछड़ा और बछिया, तो गाय के जो बछड़े होते हैं वह हमारे कृषि प्रधान देश, हमारा देश कृषि प्रधान है, मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी की बहुलता है, अधिकतर खेती बाड़ी की जाती है। तो ऐसे देश के लिए, हमारे देश के लिए, और वो जो किसान हैं उनके लिए बहुत सहायक होते हैं। जो बछड़े हैं वो बड़े होकर के बैल बनते हैं जो कृषि कार्य करते हैं, और जो बच्चियां हैं वह बड़ी होकर गाय के रूप में पुनः हमारे लिए सहयोगी हो जाती हैं। तय कृषि के स न केवलम कृषि कार्यम कुर्वन्ति अपितु सकटम अपि वहन्ति। वे किसानों के साथ न केवल कृषि के कार्य को करते हैं, बल्कि बैलगाड़ी को भी चलाते हैं, ढोते हैं,
शकटम का अर्थ होता है बच्चों बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को भी ढोते हैं। गांव में देखा होगा आप लोगों ने बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का उपयोग होता है सामान लाने और ले जाने के लिए, कभी भी बैठ कर जाने के लिए। और पुराने समय में तो बच्चों आप लोग मेला में भी जाते थे गाड़ी में बैठ करके, है ना, याद है ना बच्चों। चलिए और पढ़ते हैं, गोमयम गोमूत्रम च श्रेष्ठतम कृषि पोषक तत्वम खाद इति संज्ञकम अस्ति। गोबर और गोमूत्र बहुत बढ़िया श्रेष्ठतम कृषि का पोषक तत्व है, मतलब खेती को बढ़ाने वाला है, और उसे खाद इस प्रकार कहा जाता है। गोबर को किसान लोग खाद के लिए उपयोग करते हैं। अब चलें बच्चों आगे की लाइन में, आगे की पंक्ति में चलते हैं। यदि गो संपूर्ण भावेन रक्षा स्यात् तदा निश्चयामेव समस्तम विश्वम दुग्धेन घृतेन अन्नेन च जनान पालयितुं समर्था भवति। यदि गाय की संपूर्ण भाव से रक्षा की जाए, अच्छी तरह गायों की रक्षा की जाए, तो यह हमारे विश्व की दूध की घी की अन्न की और लोगों को पालन पोषण की समस्या से फुर्सत उनको दिला सकती है, मुक्ति दिला सकती है ना, तो और लोगों का पालन पोषण करने में समर्थ होगी। यदि गाय की हम संपूर्ण भाव से रक्षा करेंगे, लालन पालन करेंगे, तो वह हमारे विश्व की समस्याओं को कम करने में सहायक होंगी। अतः यह मुक्ति सत्यायत, अतः यह उक्ति, उक्ति माने कहावत सत्य है। कौन सी उक्ति बच्चों? गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है, इति, इति माने इस प्रकार। अब बच्चों हमारा पाठ तो हुआ, लेकिन अब हम अभ्यास के लिए चलते हैं। किसी चीज को सीखते हैं तो हम ये भी तो देखेंगे कि हमने उसको सीखा है अथवा नहीं। चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं, और अभ्यास में पहला है हमारा शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है अर्थ, शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है सोढ़वा, सोढ़वा का अर्थ होता है सहकर। ऐसे हमने पाठ पढ़ाते समय आपको मायने बताए हैं बच्चों। सस्यानी घास, भूषम भूसा, गोमयम गोबर, तक्रम मट्ठा। कृषि का अर्थ होता है बच्चों खेती। शक्तम का अर्थ होता है बैलगाड़ी। वहंती का अर्थ होता है ढोते हैं। रक्षितुम का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। अपितु का अर्थ होता है और भी। अब ये थे हमारे समानार्थी शब्द, शब्दार्थ थे। चलिए बच्चों अब अपन अभ्यास के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, गौ कीदृशः पशु अस्ति। इसका अर्थ पहले जान लें कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पशु गाय कैसी पशु है। उत्तर में हम लिखेंगे गाय सीधी साधी और अहिंसक पशु है। अगला प्रश्न है बच्चों, गोह दुग्धम कियत लाभकारकम भवति। प्रश्न को पहले समझ लें, गाय का दूध किस प्रकार लाभदायक होता है। अब इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, यह सुपाच्य है और शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, तो हमें गाय का दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। प्रश्न तीसरा है बच्चों, गोमयस्य उपयोगः केषु केषु कार्येषु भवति। गोमय का या गोबर का उपयोग हम किस किस कार्यों में करते हैं। गोबर का या गोमय का उपयोग हम सफाई के कार्यों में करते हैं, सफाई के काम में करते हैं, और खाद बनाने के काम में भी करते हैं, जो कि कृषि के लिए उपयोगी है। अब अगला प्रश्न बच्चों, कथम गौ विश्वस्य माता अस्ति।
कैसे कहा जाता है कि गौ हमारे विश्व की माता है? गौ गाय से हमें दूध मिलता है और दूध को परिवर्तित करके हम अन्य चीज़ें बना सकते हैं, और उससे गोबर भी प्राप्त होता है और गोमूत्र से अनेक अनेक औषधियाँ बनाई जाती है। इस तरह कहा जा सकता है कि गौ या गाय विश्व की माता है। गोवत्सानां प्रयोग केषु कार्येषु वयं कुर्मः। गोवत्सानां का अर्थ होता है बच्चों गाय के बछड़ों का उपयोग हम किस प्रकार कार्यों में करते हैं। गाय के बछड़ों का उपयोग हम खेती के कार्यों में करते हैं हल चलाने के लिए, और गाय के बछड़ों का उपयोग हम बैलगाड़ी ढोने में, बैलगाड़ी चलाने में करते हैं। अब आपको, अब आगे के पाठ में हम और मिलेंगे बच्चों, और भी पढ़ाएंगे। आप भी पढ़िए, एक बार और पुनः पाठ पढ़िए। धन्यवाद। नमस्कार।